रविचंद्रन अश्विन ने किया अपने कप्तान का बचाव। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन भाई आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और यहाँ पर भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनके जो कप्तान साहब है यानी कि संजू सैमसन, वो फिलहाल भाई संघर्ष कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल टीम के लिए और कहीं ना कहीं जब इनको मौके नहीं मिलते भाई लोगों की ढेर सारी सिंपत्ति होती है संजू सैमसन के साथ, और लेकिन भाई अब जो मौके इनको जितने भी मिलते हैं उसका भाई ढंग से फायदा नहीं उठा पाते, इनकंसिस्टेंट रहते हैं। लेकिन इसकी बड़ी वजह भाई बताई है किसने? रविचंद्रन अश्विन। ओडीआई क्रिकेट के अंदर तो भाई इनके नंबर ठीक ठाक है, लेकिन जब बात आती है टी20 क्रिकेट की तो टी20 क्रिकेट के अंदर क्यों संजू सैमसन का बल्ला एकदम खामोश हो जाता है, क्यों एकदम से जो नंबर्स है जो आप टॉप चार्ट देखते हैं आईपीएल के अंदर वो एकदम से नीचे क्यों गिर जाते हैं, वो एक टैलेंडर वाले संजू सैमसन हमें क्यों नजर आते हैं? तो भाई इसकी बड़ी वजह बताई है रविचंद्रन अश्विन ने। रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल के दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि क्यों संजू सैमसन नीचे खेलते हैं और क्यों संजू सैमसन को बर्बाद किया जा रहा है नंबर 6 पर खिला के। जी हाँ, उन्होंने सही मायनों में यही शब्दों का प्रयोग करा है जहां पर उन्होंने बोला है कि संजू सैमसन को नंबर 6 पर खिला के बर्बाद किया जा रहा है। संजू सैमसन अपनी आईपीएल टीम के लिए भाई टॉप के बल्लेबाज हैं, ये टॉप 3 टॉप 4 के अंदर बहुत है, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। अब उस बल्लेबाज को उठा के नंबर 6 नंबर 7 पर लगा दोगे तो भाई कहां से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कहां से आपको वो नंबर्स देखने को मिलेंगे? संजू सैमसन एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है टी20 के अंदर जो अपने इनिंग्स को एंकर भी कर सकते हैं और एंड में आके पेस भी कर सकते हैं। तो भाई इस चीज का बड़ा उदाहरण देते हुए रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि नंबर 6 पर खिलाना संजू सैमसन को पूरा पूरा बर्बाद है। रविचंद्रन अश्विन ने आगे सजेशन भी दिया संजू सैमसन के लिए कि आयरलैंड दौरे के लिए संजू सैमसन को एक प्योर विकेट कीपर, एक फर्स्ट विकेट कीपर के रूप में खिलाना चाहिए जहां पर जितेश शर्मा और इन सबके साथ रिंकू सिंह के साथ इनको मौका मिलना चाहिए, 3 या 4 नंबर इनके लिए आइडल पोजिशन होगी, ऐसा कहना है किसका? रविचंद्रन अश्विन का। इसके अलावा जो भाई यहाँ पर वेस्ट इंडीज सीरीज रही थी उसके अंदर भाई संजू सैमसन काफी ज्यादा फ्लॉप साबित हो गए थे, चाहे वो टी20 हो, ODIs के अंदर ठीक ठाक क्लिक किया था एक आध मैच में, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो फ्लॉप प्रदर्शन था वो जारी रहा और फैंस काफी ज्यादा गुस्सा गए थे, नाराज थे कि यार संजू तुम्हारे लिए कब तक लड़ते रहे, कब तक संजू के लिए हम लड़ते रहे दूसरे सिलेक्टर्स के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, कब तक हम दूसरों से गालियां खाते रहे। लेकिन अब भाई निवारण दिया है रविचंद्रन अश्विन ने अपने कप्तान का कि आप इनको नंबर 6 पर मत खिलाए, नंबर 6 पर इनको बल्लेबाजी करवा के आप इनको बर्बाद कर रहे हैं, आप इनको भाई तीसरे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करवाए। खैर, रविचंद्रन अश्विन तो भाई अब एशिया कप स्क्वाड के अंदर नहीं है, आप संजू सैमसन को रखा गया बतौर बैकअप। अब देखने वाली बात होगी भाई संजू सैमसन क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अब आपकी क्या राय है, आपकी जो कुछ भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।